How to fix Facebook? Please wait a few minutes to receive your 6-digit code before you try again problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कि ये जो इरोर है, ठीक है, यदि आप FB का यूज़र है तो आपको ये प्रॉब्लम 100% शो किया ही होगा कभी ना कभी। तो ठीक है, तो ये जो इरोर है किस वजह से आते हैं और ये कब सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, तो आज के इस वीडियो पर हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि दोस्तों आपको भी जानना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना है, ठीक है। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जब भी वेरिफिकेशन को रिक्वेस्ट करते हैं फेसबुक के अंदर पे, तो उस वक्त दोस्तों क्या होता है, हमें टाइम लग जाता है वेरिफिकेशन को रिसीव करने में, ठीक है। यदि आप काफ़ी दिन के बाद फेसबुक से कोई वेरिफिकेशन कोड रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों आने में टाइम लग जाते हैं, ठीक है। कोई नंबर पे टाइम लगते हैं, कोई नंबर पे टाइम नहीं लगते, तो आपको यहाँ पे सिर्फ वेट ही करना है, ठीक है। वेट करने के बाद दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। यदि आप वेट करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। यदि वेट किए बगैर आप दोबारा से यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, यदि आप दोबारा से यहाँ पर 2-3 बार रिक्वेस्ट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह का एरर आएगा, प्लीज़ वेट ए फ्यू मिनट्स टू रिसीव योर 6-डिजिट कोड बिफोर ट्राइंग अगेन। तो आपको अभी ट्राई अगेन करने का परमिशन नहीं है, ठीक है। यदि आप ट्राई अगेन करोगे तो अभी आपको वेरिफिकेशन कोड नहीं मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ सॉल्यूशंस वगैरह करना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन हमें क्या करना है। सबसे पहले तो दोस्तों, ब्राउज़र से यदि आप कर रहे हैं तो ब्राउज़र का सॉल्यूशन, एप्लीकेशन से कराए तो एप्लीकेशन के लिए अलग से सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो मान लीजिए आप एप्लीकेशन से कर रहे हैं तो आप दोस्तों उस एप्लीकेशन को अपडेटेड वर्जन का ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाके उस एप्लीकेशन या तो फिर ब्राउज़र को अपडेट कर दीजिए, उसके बाद सेटिंग पर जाइए और स्क्रॉल डाउन करके नीचे एप्लीकेशन एंड परमिशन पर जाके ऐप मैनेजर को ओपन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको ऐप मैनेजर, मैनेज ऐप, इंस्टॉल ऐप, ठीक है, वो सब ऑप्शंस मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे में जाइए। नीचे में जाने के बाद दोस्तों आपको यूट्यूब, यहाँ पर दोस्तों ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ब्राउज़र से आप यदि कर रहे हैं तो ब्राउज़र आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए आप क्रोम ब्राउज़र से कर रहे हैं तो क्रोम ब्राउज़र पे जाके आपको क्रोम ब्राउज़र का डेटा क्लियर करना है। इंटरनल स्टोरेज पर जाइए और डेटा को क्लियर कीजिए, यदि आप क्रोम ब्राउज़र से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वेरीफिकेशन कोड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपने क्रोम ब्राउज़र से कर लिया तो क्रोम ब्राउज़र को तो क्लियर कर ही लोगे। और यहाँ पे दोस्तों फेसबुक से कर रहे हैं तो फेसबुक पे जाइए, फर्स्ट स्टॉप पर क्लिक करके ओके कीजिए, ठीक है, और इंटरनल स्टोरेज पर जाके इसका डेटा को भी क्लियर अप करें। तो इंटरनल स्टोरेज को भी क्लियर अप करने के बाद सिंपली बैक कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ पर एक बात, आपका जो मैसेजिंग का फ्यूचर है वो तो इनेबल होना ही चाहिए, ठीक है। परमिशन पर जाइए और यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट्स, कैमरा, माइक्रोफोन और स्टोरेज का परमिशन है उनको अलाउ कर दीजिए, और उसके बाद आपको नीचे फेसबुक पर जाना है। तो फेसबुक यहाँ पे है तो इसका जो परमिशन है उसको भी आप अलाउ करना मत भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मैसेजिंग का भी सोर्स करना है सॉल्यूशन, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों आप मैसेज से ही रिसीव करने वाले हैं आपका वेरिफिकेशन कोड, याद रखिए। फोर्स स्टॉप करते हुए ओके पे क्लिक कीजिए। इंटरनल स्टोरेज पर जाके यदि क्लियर डेटा का ऑप्शन अलाउड है तो क्लियर डेटा कर दीजिए, यदि क्लियर डेटा यहाँ पर अलाउड नहीं है क्लियर खेच कर दीजिए, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। परमिशंस को एक बार जाके आप चेक कीजिए, यदि अलाउड है ऑलरेडी SMS परमिशन तो एक बार डेनाइड करके आप बैक कर दीजिए और दोबारा से SMS पर जाइए, उस सेटिंग को अलाउ कर दीजिए। तो इसके बाद दोस्तों डिवाइस को रिस्टार्ट करके आप कुछ देर वेट कीजिए, कम से कम आधा घंटा, और उसके बाद दोबारा से ट्राई कीजिए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर बस इतने, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इसके रिगार्डिंग पर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यू है तो आप हमें दोस्तों कमेंट सेक्शन पर या फिर ट्विटर पर बता सकते हैं, ठीक है। तो इससे दोस्तों आपका काम बन जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोग यह प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं।
और यहाँ पर दोस्तों फेसबुक का जो सर्वर है उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से भी कभी कभी वेरिफिकेशन कोड नहीं आ पाते हैं, तो आपको वेट करना है। कभी कभी एक दिन ला जाते हैं, कभी दो दिन लग जाते हैं, तो आपको वेट करना है और वो प्रॉब्लम जब चला जाएगा आपको बस एक बार वेरिफिकेशन कोड रिक्वेस्ट करना है, उसके बाद बैक कर लेना है, ठीक है। आपको जल्दी नहीं करना है, यदि आप जल्दी करोगे तो आपको फिर वेटिंग पे वो लोग बैठा देगा, ठीक है। तो आपको ये सारे बातें ध्यान पे रखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।